सिग्नल पर रुकने वाले वाहन चालकों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए इंदौर के लैंटर्न चौराहे पर ग्रीन नेट लगवाई गई है। इसका मकसद यह भी है कि लोग सिग्नल पर रुके और नियम का पालन करें, वरना पहले यह होता था कि इतनी धूप में कौन खड़ा रहे, यह सोचकर कोई भी सिग्नल पर खड़ा नहीं होता था और अधिकांश वाहन चालक सिग्नल ब्रेक कर निकल जाते थे। सूर्य देवता आग बरसा रहे हैं। इंदौर में पारा 44 के पार पहुंच गया है। घर में पंखे, कूलर, एसी चालू किए जा सकते हैं। दोपहिया वाहन पर घर से बाहर निकले तो बचने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती। गाड़ी चलती रहती है तब तक गर्म ही सही, हवा तो लगती रहती है। मजा तो तब आता है जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने जबरदस्ती भट्टी के पास बैठा दिया हो। झुलसाने वाली गर्मी के यह कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अधिकांश वाहन चालकों के मन में बेमानी आ जाती है और सिग्नल पर रुकना पसंद नहीं करते। कोई सिग्नल नहीं तोड़े और भीषण गर्मी से वाहन चालकों को बचाने के लिए इंदौर के लैंटर चौराहे पर पता नहीं किसने ग्रीन नेट लगवाई है। अब इस सिग्नल पर वाहन चालक रुक भी रहे हैं और उनका सीधा सामना सूर्य देवता से नहीं हो रहा है। चौराहे पर यह ग्रीन नेट जिसने भी लगाई है उसके मन में दया का भाव जरूर है और प्रयास भी अच्छा है। बहरहाल चौराहे पर वाहन चालकों का तो ध्यान रखा गया है, लेकिन यहाँ ड्यूटी कर रहे जवान भी महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ समय धूप में तो कुछ समय पेड़ की छांव में जाना पड़ता है और उस भीषण गर्मी में ड्यूटी करनी पड़ रही है। इस खबर के दो मुख्य हीरो है, एक नेट लगवाने वाला और दूसरा वो जवान जो भीषण गर्मी में भी चौराहे पर ड्यूटी कर रहा है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।